हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग इन टुडेज इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू लर्न आवर पोएम आई एम लकी सो दिस इज यूनिक टू एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी रिसाइटेड द पोएम पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा पोएम को रिसाइट कर लिया था अब हम क्या करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ साथ जो भी हमारे पोएम के जिस्ट हैं वो पढ़ेंगे सो लेटस्ट रिसाइट इट अगेन If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a mina in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can giggle, wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk if i were a kangaroo i would try to hop right up to the moon if i were an octopus i would be thankful for my eight arms so i just think i am lucky to be me not you but me what do you think you, what do you think you want to be do you want to be like me or just you just you सो दिस इज आवर पोएम ये पोएम हमने पढ़ चुके थे आ, हम लोगों ने पढ़ चुके थे पी क्लास में अब हमें क्या करना है इसके जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोगों ने बताया था वो हमें करना है सो डिफिकल्ट वर्ड्स में बहुत ईजी है उसके बटरफ्लाई माइना फीस कंगारू अक्टोप ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट ए बटरफ्लाई इज ओके ये बटरफ्लाई के पिक्चर्स भी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है आप लोग चाहोगे तो देख सकते हो पूरे बुक में कहीं कही ना कहीं हर जगह बटरफ्लाई का पिक्चर्स है एंड देन माइना माइना इज़ इज़ द नेम ऑफ़ ए अच्छा दिस द पिक्चर ऑफ माइना ओके दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए माइना एंड माइना सिंग्स वेरी वेल ओके माइना जो है उसका आवाज बहुत मधुर है uh, और क्या है इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स डिफिकल्ट फीस फीस इज नॉट ए डिफिकल्ट वर्ड फॉर यू आपके लिए फिश एक डिफिकल्ट वर्ड नहीं है मतलब मछली और मछली के रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारा पोएम पढ़े हैं जैसे कि क्लास वन में पढ़ते थे मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है अच्छा इस तरह से हम पोएम पढ़े हैं मछली के बारे में नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड द नेक्स्ट वर्ड इज कंगारू हियर इज द पिक्चर ऑफ कंगारू ये आपका कंगारू का पिक्चर है सो so, कंगारू हम लोग जनरली देखते हैं टी वी में देखें या फिर अगर हम कहीं जू वगैरह में रखा जाता है कंगारू कंगारू जनरली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ये एक तरह का एनिमल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है जैसे कि हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है उनका नेशनल एनिमल है कंगारू कौन से देश में ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है वो है कंगारू एंड कंगारू हाउ कंगारू वाक्स कंगारू कैसे मूव्स कंगारू जनरली क्या करता है ना कूद कूद के चलता है दोनों जो उसका देखो दोनों पेड़ लंबे हैं और दोनों हाथ छोटे हैं तो इसी जो लंबे पेड़ हैं वो इससे क्या करता है हॉप हॉप मतलब कूदना वो कूद कूद के चलता है यानी जंप कर कर करके चलता है हॉप कर कर के वो चलता है एंड द नेक्स्ट वन इज अक्टोपस वो मीन बाय ऑक्टोपस ऑक्टोपस इज ए मेराइन एनिमल यहाँ पे आपके बुक में पिक्चर दिया गया है ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस जनरली कहाँ पे रहता है समंदर में पाए जाते हैं ऑक्टोपस ऑक्टोपस इज ए मेराइन एनिमल सॉरी मेरा एनिमल ऑक्टोपस इज एनिमल एनिमल अरे वाटर जिसको हम बोलते हैं लैंड एनिमल वाटर एनिमल हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास वन में तो ऑक्टोपस जो है वो एक वाटर एनिमल है तो आपको क्या करने हैं ना वाटर एनिमल के हिसाब से ऑक्टोपस का ये जो पिक्चर है आज आप उसको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे ठीक है तो आज आपके जो क्लास है आप उसमें क्या करोगे आज हम जिस्ट नहीं पढ़ेंगे सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कशन करेंगे और कुछ बच्चे डिफिकल्ट वर्ड लिखे थे ग्ली व्हाट डू मीन बाय ग्ली मछली का ग्ली किसको बोला जाता है इज द ग्ली ऑफ द फिश दीज आर द ग्लीज थ्रू दिस द फिश रेस्पिरेट्स ओके इसी के थ्रू वो क्या करता है सांस लेता है जिसको बोला जाता है ग्ली तो दैट ये एक था आपका डिफिकल्ट वर्ड जो था ग्ली तो इसी तरह आप सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आज आपको बता दिया गया आप लोग क्या करेंगे पूरे पोएम को आज अच्छे से रिसाइट करेंगे दो तीन बार और क्या करेंगे ना उसके साथ एक ऑक्टोपस का पिक्चर ड्रॉ करेंगे या फिर उसको कलर करेंगे हम कल क्या करेंगे लाइव क्लास लेंगे लाइव क्लास में हम पूरे सारे बच्चों से पोएम रिसाइट करवाएंगे पोएम रिसाइट कराने के बाद जो भी जिस्ट होगा उसको डिस्कशन करेंगे सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे